जगह है हमीरपुर कचहरी परिसर, और टाइपिंग मशीन पर उंगलियां चलाते ये टाइपराइटर राधेश्याम पांडे। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर टाइपिंग करते 70 साल के राधेश्याम पांडे जितनी खूबसूरती से टाइपिंग मशीन पर अपनी उंगलियां फेरते हैं, कुछ ऐसी ही खूबसूरती के साथ इन्होंने अपने बच्चों का भविष्य संवारा है। गरीबी में जीवन गुजारने वाले राधेश्याम ने टाइपिंग कर अपने बच्चों को पाला पोसा, और उसी का नतीजा है कि इनके बेटे ने 1995 में सिविल सर्विस पास की। दूसरा बेटा असिस्टेंट सेल्स कमिश्नर है और बेटी कनाडा में साइंटिस्ट। अपने बेटे और बेटी के मना करने के बावजूद राधेश्याम ने टाइपिंग का काम छोड़ने से इनकार कर दिया। हम बढ़ावा करते रहेंगे, लड़के आ रोकते भी है, कहते भी बंद किए, मगर जब तक हमारे हाथ में चल रहे हैं तब तक ये काम जरूर करेंगे, और आइंदा से रोकना भी नहीं हमको इस काम से। राधेश्याम का कहना है कि उनका टाइपराइटर उनके बेटों से भी बढ़कर है। वो आज जो कुछ भी है अपने टाइपराइटर की वजह से है। एक और खास बात यह है कि राधेश्याम पांडे हमीरपुर कचहरी में अंग्रेजी के इकलौते टाइपिस्ट हैं। अपने बच्चों की सफलता पर राधेश्याम को गर्व है, और हो भी क्यों नहीं, एक पिता को इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या कि आज उनके सभी बच्चे वेल सेटल्ड हैं।